everyone, welcome back to my channel 3P Be Happy after a very long time. Today I am here again. तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा DIY आर्ट एंड क्राफ्ट का शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ है. हम लोग अक्सर घर में देखते हैं अमेज़ॉन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या कोई भी कार्डबोर्ड ऐसे ही रखा होता है जो नो यूज़ होता है. तो अनयूज कार्डबोर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम में एक अच्छा सा आर्ट एंड क्राफ्ट रेडी मटेरियल कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक अमेज़ॉन का बॉक्स लिया हुआ था. तो मैंने उसमें ना ऐसे मैंने देखिए पहले तो क्या बनाया हुआ है. मैंने ये ऐसे मिक्की माउस का फेस बनाया हुआ है, अब ये आपको बहुत अच्छे से दिखेगा. और उस पर अपनी बेटी के चाइल्डहुड के सारे फोटोज़ लगाए हुए हैं. अभी वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, शी इज़ जस्ट 15 मंथ्स ओल्ड. और मैंने उसके सारे बर्थ टाइम से लेके जितने पिक्स आ सकते हैं उतने सारे पिक्स लगाए हुए हैं. तो मैंने क्या किया है, ऐसे दो सर्कल्स लिए और कार्डबोर्ड के ऐसे काटे. ये देखिए पीछे से, तो मैंने ऐसे कार्डबोर्ड के दो सर्कल्स काटे. और सर्कल काटने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है. सॉरी, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई कि कैसे मैंने कट किया. तो मैंने उसको ऐसे जब कट किया तो जो अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट होती है, नाश्ता की जो छोटी वाली प्लेट होती है नॉर्मल साइज़ की, वो एक के ऊपर एक रख लिया, दो कट करे. तो फिर उसको ना चाकू से हल्का 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 रफली कट कर लिया. फिर आप उसको सीजर से कट कर सकते हैं या ब्लेड से कट कर सकते हैं, थर्माकोल कटर से कट कर सकते हैं. तो ये दो मिकी माउस के ईयर्स बन गए. फिर जो डिनर प्लेट होती है मैंने उसकी हेल्प से ये बड़ा वाला फेस कट किया. ये देखिए ये बड़ा वाला फेस कट किया, ये कुछ ऐसा है. मैं आपको ये ईयर डाउन करके दिखाती हूँ. फिर मैंने इसको जब कट किया और मैंने इसका बैक साइड जिस पे अमेज़ॉन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था उस पे एक ब्लैक शीट लगाई, इन तीनों पर एक ब्लैक शीट लगाई. और ब्लैक शीट लगाने के बाद मैंने तीन बो काटे. बो बना सकते हैं आप, बारबी डॉल का हेयर बैंड बना सकते हैं अगर इसको बारबी डॉल के फेस में बनाना है. और ईयर फिर उसके थोड़े लंबे कर दीजिए, इट्स अप टू यू कि आपको कैसा बनाना है. फुटबॉल बना सकते हैं अगर आपका बेबी बॉय है, तो कुछ भी थीम रख सकते हैं. फिर मैंने एक ब्लैक कार्ड शीट पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने वो ऐसे चिपका दिए. उसके ऊपर जो फोटोज़ के कुछ प्रिंट्स पड़े हुए थे वो चिपका दिए हैं. तो दो ईयर्स पर उसके ये छोटे छोटे से फोटोज़ आ गए हैं. आप देख सकते हो जब ये 3 मंथ्स की थी तब के, फिर ये 2 मंथ्स वाले सारे ऐसे पिक्स लगाए रखे हैं मैंने. ये देखिए हर नेम इज़ मीठी और ऐसे मैंने मीठी के पिक्स लगा रखे हैं. फिर जो शाइनिंग शीट आती है मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से ये शाइनिंग शीट्स आती हैं. मैंने ये शाइनिंग शीट्स ली और उसके ऐसे हेयर बैंड या बो कट करे, ये ब्लू कलर के कट करे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखने के लिए. यहाँ पर ये ब्लू लगाया हुआ है, एक यहाँ पर ब्लू लगाया हुआ है. आप चाहें तो स्टार कट कर सकते हैं, हेयर बैंड कट कर सकते हैं, टॉफीज़ कट कर सकते हैं. और फिर मैंने उसको हल्के से स्केच पेन से ऐसे बाउंड्री कर दिया है, बट वो बाउंड्री दिख नहीं रही है तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा. या तो ब्लैक अभी बनाया हुआ है तो कुछ कट करके चिपकाना पड़ेगा, और या फिर वाटर कलर या कुछ देखते हैं कैसे होता है. तो आप ऐसे एक आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं. और पीछे ये देखिए मैंने डबल साइडेड टेप लगा रखी है. ये देखिए ये डबल साइडेड जो टेप लगा रखी है उससे आप चिपका सकते हैं वॉल पर. यकीन मानिए ये बहुत सुंदर लगता है. आप वॉल पर लगा सकते हैं, डोर पर लगा सकते हैं, कबर्ड की ओपनिंग पर लगा सकते हैं, कबर्ड डोर पर लगा सकते हैं, बच्चों के रूम में लगा सकते हैं. तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है. अगर उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो ये उनको भी, अभी आप हॉलीडेज में या कभी भी उनको एक वर्क दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो आप. तो ये काफ़ी सुंदर लगता है और ये बहुत ड्यूरेबल होता है. डबल टेप से तो ये काफ़ी दिन तक चिपका रहता है, और जब ये ख़राब हो जाता है फिर से डबल टेप निकाल कर नया लगा सकते हैं. फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी डबल शीट यूज़ की. मैं यहाँ से डबल शीट का पूरा पैक ले आई थी, इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं. ये देखिए ये पिंक कलर मैंने यूज़ किया है इसलिए वो थोड़ा कट गया है. ये ग्रीन, ये ब्लू जो मैंने यूज़ किया हुआ था, ये देखिए यहाँ से इतना ये यूज़ किया हुआ है. सिल्वर है, ये मैं पूरा बंच ले आई थी, 100 रुपीज़ का आता है और उसमें 12 कलर्स होते हैं. रेड है, ऑरेंज है, गोल्डन है, ब्लैक है. ये देखिए, तो आप ये वाली शीट ले लीजिए. अगर ये नहीं है तो कोई और भी ले लीजिए, नॉर्मल कलर पेपर ले लीजिए और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको और अच्छा बना लीजिए. अगर ये आपको छोटा सा DIY अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको ये DIY पसंद आया है. और बना के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और उसकी पिक सेंड कीजिए. बाय बाय.